पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने अपनी जगह पक्की कर ली। मुकाबले में उन्होंने पहले प्रयास में 89.34 का थ्रो फेंका। इसके साथ ही उन्होंने फाइनल में अपनी जगह भी बना ली। नीरज का यह सीजन का बेस्ट थ्रो था। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 दूरी पर थ्रो फेंका था। नीरज के बाद पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भी फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। उन्होंने अपने पहले प्रयास में 86.59 थ्रो किया था। नीरज चोपड़ा का अब तक का सबसे बेहतर प्रयास 30 जून 2022 को स्वीडन में स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में आया था, जहां उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ 89.94 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड को स्थापित कर एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। मैच शुरू होने के साथ ही विनेश फोगाट को जीत मिल गई। उन्होंने इस मैच में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट युकी सुसाकी को 3-2 से हरा दिया। विनेश ने अब क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह भी बना ली। पेरिस ओलंपिक्स में भारत के लिए बीते 10 दिन मिले जुले रहे। भारत के पास इन 10 दिनों में कुल 3 पदक आए। भारत को A3 पदक शूटिंग में मिले, जिसमें से 2 मनु भाकर ने दिलाए। पेरिस ओलंपिक 2024 में 6 अगस्त को भारत के लिए 11वां दिन है। भारत के लिए यह दिन बहुत खास रहा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा एक्शन में दिखाई दिए। इसके अलावा भारत की पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल मैच खेलने के लिए मैदान में उतरी। बेहद ही शानदार फॉर्म में दिखने वाली पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल मुकाबले के लिए मैदान में उतरी। सेमीफाइनल में भारत के सामने जर्मनी को चुनौती मिली। इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में हॉकी टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को हराया था। वहीं भारत को सेलिंग के मेंस और विमेंस के इवेंट में मेडल भी मिलने की उम्मीद है। हालांकि सेलिंग में मेडल जीतने के लिए भारतीय एथलीटों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। पेरिस ओलंपिक में भारत ने अब तक 3 मेडल जीत लिए हैं। ये तीनों ही ब्रॉन्ज मेडल थे। सबसे पहले मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज दिलाया, फिर दूसरा ब्रॉन्ज भी मनु भाकर ने मिक्स टीम इवेंट में दिलाया। उनके साथ सरबजोत सिंह भी टीम में थे। तीसरा ब्रॉन्ज मेडल स्वप्निल कुशाले ने शूटिंग की मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में दिलाया। हम आपको बताते हैं कि 10वें दिन यानी भारत का फुल शेड्यूल क्या कुछ रहा। भाला फेंक में क्वालिफिकेशन के साथ अपने अभियान की शुरुआत और फाइनल में जगह बनाने के लिए उतरे। 84 मीटर के क्वालिफिकेशन मार्क क्यू को पार कर लेगा वो सीधे फाइनल में पहुंच जाएगा, या फिर फाइनल में जगह बनाने के लिए टॉप 12 में रहना जरूरी है। जिस भाले का प्रयोग भारत के स्टार नीरज कुमार करते हैं, उसका वजन 800 ग्राम है। हवा में 80 से 90 मीटर तक तैरने वाले इस भाले को फेंकने का तरीका भी काफी टेक्निकल है। इस भाले को 3 तरह की ग्रिप से पकड़ा जा सकता है। नीरज चोपड़ा भाला को जिस ग्रिप से पकड़ते हैं वह फिनिश ग्रिप कही जाती है। भाला को 2 और तरह की ग्रिप से पकड़ा जा सकता है, जिसमें वी ग्रिप और अमेरिकन ग्रिप शामिल है। वी ग्रिप वह ग्रिप है जिसको काफी कम भाला फेंक खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी अमेरिकन ग्रिप वो ग्रिप है जो भाला फेंक के शुरुआती खिलाड़ियों में काफी प्रचलित है। यह ग्रिप सबसे आसान भी मानी जाती है। विश्वास वही रफ्तार नहीं।